सुप्रभात बच्चों, कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं सर्वप्रथम आज का सुविचार। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई कार्य करना रहा तो हम उसके बारे में सोचते ही रहते हैं, विचार करते रहते हैं लेकिन उसको करते नहीं हैं। इवन कभी किसी को बात भी कहनी है तो हम सोचते रहते हैं कि मैं कहूँ कि नहीं कहूँ, उसके परिणाम क्या होंगे, और हम वो नहीं करते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो करते हैं पर सोचते नहीं, वो काम कर देते हैं पर उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते और बिना सोचे समझे वो कर देते हैं, तो वो लोग असफल होते हैं। तो हमें अगर जीवन में सफल रहना है तो हमें क्या करना है कि हमको सिर्फ सोचते नहीं रहना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि बिना सोचे समझे कुछ काम करना है। हमें सोच समझ कर फैसला लेकर उस काम को करना है ताकि हमें सफलता मिले। तो आइए चलते हैं हमारे आज की दूसरी इकाई के पाठ पाँच संतवाणी में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो पद है उनका अभ्यास हम आज करने वाले हैं। पिछले सप्ताह में हमने संत मीराबाई के पदों का अभ्यास किया था, आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे पदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में जानकारी मैंने आपको हमारे जूम क्लास में दे दी है, हमने पूरे 40 मिनट इनके बारे में बात की है और इनकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत पद कवितावली से लिए गए हैं। यहाँ सीता जी की थकान, श्री राम की व्याकुलता, शरीर सोष्ठों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवितावली जो कि इन्हीं द्वारा रचित है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ही कवितावली है, उन्हीं में से लिए गए ये जो पद है वो है। और शरीर सोष्ठों का अर्थ है सुंदर होने की अवस्था या भाव, किस तरह राम सीता वनवास में जाने के बाद उनका जो हाल हुआ था उसका वर्णन इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। ये उनकी फोटो है गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो आइए अब उनके पद देखते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वे झलकी भरी भालकनी जलकी पूट सुखी गए मधुरा धरवे फिर बुझती है चलनो अब के तीक पर्णकुटी करिहो की तभ तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया अति चारु चली जलच्छ्वे। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। पुरते यानी नगर, निकसी यानी निकली, रघुबीर का अर्थ आप सभी जानते हैं प्रभु श्री राम जी। धरी यानी धारण करके, धीर यानी धैर्य, दय यानी रखे, मग यानी मार्ग, डग यानी कदम, द्वे यानी दो, झलकी यानी दिखाई दी, भाल का अर्थ होता है माथा, कनी बुंदे, पुट का अर्थ होता है ओठ, बूझती पूछती है, और केतीक का अर्थ होता है कितना, पर्णकुटी पत्तों की कुटिया, कीत का अर्थ होता है कहाँ, और तियकी यानी पत्नी, तियकी यानी पत्नी, लखी देखकर, चारु का अर्थ होता है सुंदर। तो आइए इस पद का अर्थ देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रामायण जो बहुत साल पहले हो चुकी है, 20-25 साल पहले, वो आपने नहीं देखी, लेकिन लॉकडाउन में रामायण दिखाई गई रामानंद सागर जी की, वो आप सभी ने देखी है, और इसीलिए आप रामायण के बारे में सभी बातें जानते हैं। हमें पता है कि सीता जी अपने मायके में किस तरह रहती थी, और यहाँ आकर ससुराल में दशरथ राजा ने कैकेयी को दिया हुआ वचन निभाने के लिए दशरथ ने श्री राम जी को 14 साल के लिए वनवास में भेज दिया, और सीता जी अपने पति के साथ चली गई
और लक्ष्मण जी भी अपने भाई के साथ गए। तब सीता जी की उम्र बहुत कम थी, पुरते निकसी रघुबीर बधु। इन पदों में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अभी वे अयोध्या नगर से बाहर निकले हैं, बहुत दुखी हुए सब लोग। आपने देखा है दशरथ राजा का हाल किस तरह हुआ था। उन्हें यह कदापि पसंद नहीं था कि भगवान राम को वनवास, लेकिन भगवान राम जो थे वो त्याग की एक मूर्त है ना। उन्होंने राजगद्दी छोड़कर अपने पिता को दिया हुआ वचन निभाया और 14 साल तक वनवास में रहे। धरि धीर दये मग में डगद्वे, सीता जी ने भी धैर्य रखकर मार्ग पर 2-4 कदम रखे हैं। अभी वो अयोध्या नगर से बाहर निकले ही हैं, सीता जी ने धैर्य रखकर मार्ग पर 2-4 कदम ही रखे हैं कि परिश्रम के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। जल की भरी भाल कनी जल की, उन्हें पसीना आने लगा। हमेशा रथ में सवार होकर घूमने वाले सीता, राम और लक्ष्मण जब पैदल निकले तो न जाने कितने कांटे उनको चुभे। रास्ते में उन्हें जो भी लोग मिले उन सबको प्रभु राम जी के दर्शन हुए, सीता जी के दर्शन हुए, और सबने उन्होंने सबको रास्ते में कुछ न कुछ दिया। उन्हें चलने की आदत नहीं थी, लेकिन सीता जी प्रभु राम के साथ गई और मार्ग पर 2-4 कदम ही उसने रखे थे कि परिश्रम के कारण उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। पूट सुखी गए मधुरा अधर वै, सीता के मधुर अधर मतलब ओठ सूख गए, प्यास के कारण ओठ सूख गए। चलते ही जा रहे थे इसलिए उन्हें प्यास लग गई और उस प्यास के कारण उनके ओठ सूख गए। फिर उन्होंने क्या किया, वे अपने नाथ श्री राम से पूछने लगी अभी और कितना चलना है। पर्णकुटी कहाँ है बताओगे। फिर बुझती है चलनो अब के तीक, पर्णकुटी करिहो कीत वह। पर्णकुटी कहाँ है, हम थोड़ा भी चलते हैं, हमें तो पैदल चलने की आदत ही नहीं रही है। हम गाड़ियों में घूमते हैं, गाड़ी पर जाते हैं, कुछ नहीं रहा तो कैब बुलाते हैं, लेकिन हमको पैदल चलने की आदत नहीं है। तो हम तुरंत पूछते हैं कि अभी और कितना चलना है मम्मी, है ना। उसी तरह सीता श्री राम जी से पूछती है कि अभी और कितना चलना है, पर्णकुटी कहाँ है बताओगे। अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता और ऐसी व्याकुलता देखकर उनके प्रिय श्री राम जी के सुंदर नेत्रों से जल भराया। तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अतिचारु चली जल छवे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, नेत्रों में जल भर आया, क्योंकि वो सीता की हालत नहीं देख पा रहे थे।